अस्सलाम वालेकुम। डेली मार्केट रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। कुछ दिनों से जिस तरह मार्केट जो है काफ़ी डिप्रेस चल रही थी, पॉइंट वाइज अगर बात करें तो आज मार्केट ने जो है एक वापस से एक अच्छा गेन दिया और तकरीबन 300 पॉइंट से ज़्यादा जो है ऊपर KC 100 इंडेक्स जो है बंद हुआ है और टोटल जो पॉइंट्स है जिस पर इंडेक्स बंद हुआ है वो 45,398 पॉइंट्स बन रहे हैं। ओवरऑल वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दो तीन हफ्तों से, यानी कि जब से छुट्टियां ख़त्म हुई और जब से IMF के साथ हमारा जो है वो एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद से वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है और वो चीज़ वो भी कंटिन्यू आज भी जो है 400 मिलियन शेयर से ज़्यादा का काम हुआ है। ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर सुबह से जो है वो तेज़ी रही। ऑयल पहले OGDC PPL की बात करें, रिफाइनरीज की बात करें या फिर जो है शेल की बात करें, शेल अपर लॉक पे बंद हुआ है, इसमें तेज़ी रही। इसके बाद बैंक्स की बात करें तो UBL ने कल जिस तरह एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था और उसके बाद डिविडेंड अनाउंस किया था तो उसमें आज रैली कंटिन्यू रही। MCB आज शायद वो रैली कंटिन्यू नहीं कर सका जो कल हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो दूसरे बैंक्स हैं, बैंक ऑफ पंजाब में बात करें जिस तरह एक वॉल्यूम हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आज बैंक ऑफ पंजाब ने भी जो है वो एक अच्छा जो है वो गेन पोस्ट किया। इसके साथ साथ साइक्लिकल साइड पे अगर बात करें, ऑटो सेक्टर में भी जो है वो अपर लॉक लगे कुछ स्टॉक्स में और इसके साथ सीमेंट और स्टील, तो ओवरऑल आज सब ने जो है वो मार्केट की पॉजिटिविटी के अंदर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ओवरऑल डॉलर जो है वो आज फिर वापस से जो है वो स्ट्रांग हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी और पेमेंट्स के प्रेशर की वजह से सुनने में आ रहा है कि जो रुपया है इंटर बैंक के अंदर उसमें जो है वो गिरावट देखने में आ रही है। ओवरऑल वॉल्यूम्स वाइज जो है आज WTL में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब में सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है और उसके बाद K Electric के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा काम हुआ है। ओवरऑल जिस तरह हमने आपको अपनी कल और प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि मार्केट इसी तरह जो है वो कंटिन्यू रहेगी, कुछ अपसाइड डिप्स हमें मिलते रहेंगे और जो अच्छा आइटम है उस पर काम करना चाहिए, तो आगे के लिए भी हमारे यही हम ऐसा लगता है कि मार्केट इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। और जो अभी भी बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिसमें काफ़ी जो है वो अपसाइड बाकी है और एक अच्छे मल्टीपल पे मिल रहे हैं, उनमें जो है पोजीशन लेनी चाहिए। और जिस तरह सर्कुलर डेट के हवाले से पॉजिटिव डेवलपमेंट आगे होती है और अगर पेमेंट मिलती है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर, पावर सेक्टर और जो भी इस तरह के स्टॉक्स हैं जो सर्कुलर डेट के हवाले से जो डिप्रेस थे इस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, उनमें भी जो हम एक तेज़ी देख सकेंगे। इसके अलावा रिजल्ट सीज़न अभी चल रहा है, रिजल्ट सीज़न जिस तरह रिजल्ट आते जाएंगे और अच्छे रिजल्ट के ऊपर हम देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो रैली कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से पोजीशन ली जा सकती है, मार्केट में अभी भी जो है वो गुंजाइश नज़र आती है। शुक्रिया।